जय हिंद जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह जी। भाई जो भी कहो, जचता है ये यूनिफॉर्म आप पर। अगर आप भूल गई है तो आपको याद दिला दे कि हम आपके सीनियर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सीनियर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे संतू, बहुत मजा आने वाला है अब। चलो अब जब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ही ली है तो आपको थोड़ा काम भी दे ही देते। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहां का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। माफ कीजिएगा पर ये काम तो कोई भी कर सकता है। हाँ तो आज आप कोई भी बन जाइए, भौकाल है ना आपका बहुत। लेकिन दिस इज एन ऑर्डर करिश्मा सिंह। आओ संतू, चाय पिलाते हैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, ये हमारी टेबल है। अरे आते ही भोकाल मचाना शुरू कर दिया। पस, पस। क्या हुआ? अरे वो डायरेक्ट मुझ पे लाइन मार रही है। कौन लाइन मार रहा है तुम पे बाबू? मिस्टर मैडम, आई नो माय गुड लुक एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई ना, वो अपने मर्दांगे पे एकदम से फ्लैट हो गए, लट्टू हो गए। एकदम डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट और वो स्माइल। एक मिनट, मतलब कि मिस्री मैडम तुम पे लाइन मार रही है? या तुम पे? तुम बिल्लू, तुम देखो, तुम बाल देखो, देखो तुम पे, तुम बस नो। हाँ वो लाइन मार रही थी लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, यू नो लेवल। अरे मैं कहा वो कहा, नो मैच। समझ सकते हैं हम। क्या समझ सकते हैं? क्या है ना कि पेट का गैस जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना तो ऐसे ही पगलैती छा जाती है। खैर कोई बात नहीं, सुबह उठा करो, ऐसे अनुलोम विलोम खींचा करो, गर्म पानी में तुलसी पत्ता डाल के तब चबाया करो, इससे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, फ्रेश रहेगा। मिश्री मैडम लाइन मार रही है, ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा तुमको बाबू। चल जलस जलस। हाँ अम्मी, सुन लिया हमने अच्छे से। आपको सपना आया कि आप चांद पर झूल रही हैं, इसका मतलब यही है कि 2-4 दिनों में हमारा निकाह फिक्स होने वाला है, ठीक है? समझ गए। वैसे सच कहे ना तो अरशद बुरा लड़का नहीं है, इनफैक्ट पहली बार आपने थोड़ा ढंग का लड़का ढूंढा है हमारे लिए। अच्छा बताइए अब करना क्या है? देखो बेटा सारी बातें हो चुकी हैं, अरशद के वालिद आज तुम्हारे थाने आने वाले हैं, तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू कैसी है। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, तुम्हारा अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। अरे रिलैक्स अम्मी, हमारा इम्प्रेशन कभी खराब होता है क्या? अच्छा आप बताइए इनके वालिद साहब का नाम क्या है? हुसैन साहब। अच्छा और कितने बजे आने वाले? घर में अच्छी बहू आ जाए, बेटे का घर बस जाए, वालदैन को और क्या चाहिए बेटा? हसीना और हमारे बेटे की निकाह की बात चल रही है, सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बहू के बारे में थोड़ी दरियाब की जाए। एक बात बताओ अम्मी, उनकी हाइट करीबन 5.5 फुट? हाँ हाँ। मोटा चश्मा और भूरी दाढ़ी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो हमारे सामने ही खड़े पहुंच गए, हम उनसे मिलकर आपको फोन करते हैं। कुछ रोशनी डालेंगी हसीना के किरदार पर, मतलब मिजाज की कैसी है, कैसी तबीयत पाई है, बर्ताव कैसा है। लीचड़, बर्ताव में महा लीचड़ है वो। अरे ऐसी ऐसी चुड़ैल, लड़ाकू, डायन जैसी औरत कभी नहीं देखी होगी आपने अपने लाइफ में। बात क्या करती है, सीधा काटने को दौड़ती है। ऐसी औरत से तो भगवान बचाए हमेशा मुझे। क्या कह रही हैं आप?
हमने उनकी तस्वीर देखी है, तस्वीर में तो बड़ी नेक और बाअदब सी लड़की लग रही थी। पैकेजिंग से धोखा मत खाइए सर, ओरिजिनल माल तो कुछ और ही है। और ये अदब वदब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिए ना, बड़ा देखते ना छोटा देते। एक बार गाली देना स्टार्ट कर देना नॉन स्टॉप, कचड़ कचड़ इतनी गंदी गंदी गालियां देती है कि सुनने वाले के कान लाल हो जाए। चुड़ैल है सर, चुड़ैल। लाहौल बिला कुवत, तौबा तौबा तौबा। मनहूस है सर, जहाँ पैर रखे वहाँ शमशान। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके बेटे की शादी करनी है तो धूमधाम से अपने बेटे को जहन्नुम भेजिए, हमें क्या है ना मैडम। जाने भी दो तुम, क्यों छोड़ दो अब। सलमा जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी बेटी हसीना की, अभी अभी उन्हीं की तारीफ में कसीदे सुन रहा था। क्या कैसी लगी? अगर इस दुनिया में आखिरी लड़की है तब भी खुदा की कसम हम अपने बेटे की शादी उनसे नहीं होने देंगे। फोन रख दीजिए। अब अम्मी नहीं छोड़ेगी हमें। क्या है ना संतोष, काम चाहे कोई भी हो, दिखता वो नहीं है जो काम करता है, दिखता वो है जो काम करते हुए दिखता है डिपार्टमेंट को। हाँ 100% सही बोले, ग्रांट के साथ। तो हम सोच रहे थे कि इस निवासी पार्टी वाले केस में भी हम ना डिपार्टमेंट को करते धरते कुछ दिखे, कि सब इंस्पेक्टर मिश्री पांडे ने कुछ करके दिखाया। बात तो सही है, फिर ठीक है, बनाते एक एक्शन पैक्ड मजेदार कहानी। देखो पहली बात कि बहुत टाइम के बाद फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम और तुम यानी सब इंस्पेक्टर मिश्री पांडे और कांस्टेबल संतोष शर्मा ने उस निवास त्रिपाठी के एक खास आदमी का लगाया पता, उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहुंचे उसके अड्डे पर। अड्डे पर पहुंचने के बाद उस आदमी को पता चल गया कि पुलिस आ गई है, तो वो दौड़ा और अपनी जान पर खेलकर सब इंस्पेक्टर मिश्री पांडे ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उस आदमी ने पुलिस वाले पर गोली चलाई। अब उसने गोली चलाई तो मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, और गोली चलाते चलाते उस आदमी को लग गई गोली और उसका हो गया एनकाउंटर। बोलो कैसा है? अच्छा, पर कहानी तो कहानी है ना, सच साबित करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए होगा। है ना, आदमी भी है और गोली खाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट भी। कल उसको गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएंगे पास वाले जंगल में और कर देंगे उसका एनकाउंटर। हाँ पर आदमी कौन है? अरे बिल्लू चंपत। क्या बिल्ले? अरे चीती, अच्छा हो तू आया। अरे सुन सुन, अरे तू सुन पहले, मैंने मिसु के लिए शेर लिखा है। मिसु? मिस्त्री मैडम, तेरे लिए मेरी मिसु। सुन, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, जिनको देखा तो गुरूर चांद का मिट्टी हुआ। तो मिट्टी में ही मिलाने वाली है तुमको मिसु। जलस? अरे जलस नहीं, देखो त्रिपाठी का आदमी बता करना, तुम्हारा एनकाउंटर करने वाली है तुम्हारी मिसु। क्या बात कर रहे हैं चीते? सही बोल रहे हैं पुष्पा जी, देखिए संतु जी का क्या मैसेज आया है, देखिए। अरे आशिक आवारा, तुम भी देखो। मतलब वो मोहब्बत नहीं थी, शिकारी शिकार को ढूंढ रहा था। पुष्पा मेरी जान है? मेरी जान खतरे में, माँ मुझे बचा लो, उस चुड़ैल से मुझे बचा लो। माँ हसीन मैडम को बताओ, बताओ उनके बच्चे की जान खतरे में, बताओ बचा लो माँ। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, मगर हसीना मैडम कुछ नहीं कर सकती, उनके हाथ में नहीं है ये केस अब। तो उनको बोलो हाथ में ले ले, नहीं तो मैं हाथ से निकल जाऊंगा। मैडम सर आप पुष्पा जी देखिए, हमको जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम आते हैं फिर बात करें। मैडम सर ये बिल्लू। पुष्पा जी संतोष का मैसेज आया था, बहुत जरूरी काम है, बाद में आके निपट लेंगे। मुझे भागना यहाँ से, खोल खोल जल्दी खोल। अरे इसे कैसे लॉकअप खोल दे, हमारी नौकरी का सवाल नहीं है क्या? अरे तुझे नौकरी की पड़ी है या मेरी जान की नहीं पड़ी है? एक बिल्ले बिल्ले, शांत शांत, आइडिया दे रहे हैं ना क्या? सनी अगर अपना कंप्लेन वापस ले लेना तो तुम यहाँ से वापस निकल सकते हो। अरे तो चड्डे को बुलाओ, कहाँ सुखाने के लिए रखा है चड्डे?